माननीय सुरेंद्र चौधरी जी, भाजपा नेता, मंत्री काशी क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य बाहरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सुरेंद्र जी, आज जो है जल दिवस है, जल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? तो मैं पूरे देशवासियों के जल दिवस पर ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आज जल दिवस है, जल दिवस क्या पूरी दुनिया जो निर्माण हुआ है, ये पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधा से लेकर आदमी से लेकर जितना भी देख लीजिए, अगर जल न होता तो हम लोग न होते, जल न होता तो पेड़ पौधे न होते, जल न होता तो यहाँ पे जितने पशु हैं वो न होते, जल न होते तो यहाँ पे कोई पक्षी न दिखाई देता, जल न होता तो मतलब इस तरीके का अगर जल ही ना होता तो दुनिया की सृष्टि ही न होती। इसलिए जल दिवस पर कहना तो बड़ी बात है कि अगर आदमी कहीं भी बाहर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, अगर जल नहीं है तो पूरी दैनिक क्रिया से लेकर उसकी पूरी शरीर से पानी पीने के लिए अगर नहीं हो तो आदमी एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता है। इस देश में जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल हम लोग तो निवेदन करेंगे समस्त देशवासियों से कि जल को संरक्षित किया जाए और जल को फालतू खराब हम लोग ना करें और उसको बहाएं भी ना कि हम जल को बहुत खराब जो कर रहे हैं आजकल देखने को मिलता है। तो जल ये जो होता है तमाम मोडिफाइड करके लोगों को पिलाने का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं जगह पे तो आपको जमीन से भी पानी नहीं निकलता, बहुत दूर दूर से सप्लाइयाँ जाती हैं। इस तरीके से आपके बॉम्बे से लेकर तमाम जगह पे जल का बहुत बड़ी कीमत है। जलगांव गांव से भी पानी जाता है बॉम्बे के लिए, वहाँ बोरिंग नहीं होते, खारा पानी है, समुद्र है, दुबई है, सऊदी है, तमाम वहाँ जल आपको मिलेगा, नितान सप्लाई हो रही है। इस तरीके से जल का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि अभी जो आपका इंडिया न्यूज़ चैनल है, इनको जिस तरीके से लोग पूरे देश में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग भी जाने जाते हैं, बताए जाते हैं। धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा।